हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द वोमेन इन वाइट। द वोमेन इन वाइट जो लिखा गया है विलियम विल्की कॉलिंस के, यह लिखा गया था 1859 में और इसे पब्लिश 1860 में किया गया था। यह नोवेल एक मिस्ट्री और सेंसेशनल नोवेल है और इसके कैरेक्टर्स है वॉल्टर हैटराइट, ये एक ड्राइंग टीचर है और इस नोवेल के हीरो भी है। ये एक ईमानदार व्यक्ति रहते हैं जो इस कहानी के रहस्य को सुलझाते हैं। फिर सेकेंड कैरेक्टर मिस्टर एंड मिसेस फेयरली, इन दोनों की पहले ही डेथ हो चुकी है और इनकी दो बेटियां हैं लॉरा एंड मेरियन। फिर थर्ड कैरेक्टर एने कैथरिक जो कि जैन कैथरिक की बेटी है और यही वह लड़की है जो इस नॉवल में वोमेन इन वाइट के रूप में है और वाइट कपड़े पहनकर घूमती है। फिर फोर्थ कैरेक्टर में है सर पर्सिवल ग्लाइड जो ब्लैक वाटर पार्क के मालिक है और रिच पर्सन है। फिफ्थ है काउंट फोस्को जो सर ग्लाइड के फ्रेंड है। इस नॉवल के थीम है आइडेंटिटी का पता लगाना। इस नॉवल में लॉरा और एने दोनों हमशक्ल और नॉवल शुरू होता है वॉल्टर हैटराइट जो अपने दोस्त के कहने पर वे लैंड्रीज हाउस जाते हैं तो वे एक गली से गुजर रहे थे तो उन्हें एक सफ़ेद कपड़ा पहने हुए एक लड़की से मिलते हैं और वो उनका टोपी पकड़ने में मदद करती है। फिर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद वहां पर पुलिस आती है तो वॉल्टर को पता चलता है कि लड़की पास के पागलखाने से भागी हुई थी। वॉल्टर अब कैम्ब्रिज हाउस जाते हैं जहां उनकी मुलाकात फ्रेडरिक लॉरा और मेरियन से होता है। फ्रेडरिक कैम्ब्रिज हाउस के इंचार्ज थे, मतलब उनकी देखभाल करते थे। जो लॉरा और मेरियन होते हैं उनके अंकल भी होते हैं और उनकी भी देखभाल करते हैं क्योंकि अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। लॉरा और मेरियन वॉल्टर के स्टूडेंट बन जाते हैं। कुछ समय बाद लॉरा और वॉल्टर में प्यार हो जाता है लेकिन बाद में पता चलता है कि लॉरा के पापा ने यह तय किया था कि सर ग्लाइड जो ब्लैक वाटर पार्क के मालिक है उनसे लॉरा की शादी होगी और लॉरा अपने पापा की बहुत इज्जत करती थी इसलिए लॉरा सर ग्लाइड से शादी कर लेती है। शादी से पहले लॉरा को एक पत्र मिला था जिसमें लिखा था कि सर ग्लाइड अच्छे आदमी नहीं है लेकिन अपने पापा के बात रखने के लिए उससे शादी कर लेती है। अब शादी के बाद वे लोग हनीमून के लिए इटली चले जाते हैं जहां वे लोग 6 महीने रहते हैं और फिर वापस आते हैं। इस बीच मेरियन जो लॉरा की सिस्टर है उसे पता चलता है कि ग्लाइड अच्छा व्यक्ति नहीं है। वह एक अनाथ है और ना ही ब्लैक वाटर पार्क का मालिक है। वह कुछ भी नहीं है, मतलब कि वह एक गरीब आदमी है। ग्लाइड और उसका फ्रेंड काउंट फोस्को दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि किसी तरह लॉरा को पागल खाने में भेज दिया जाए और एने कैथरिक जब मर जाएगी तो उसे लॉरा बता दिया जाएगा कि लॉरा मर गई है क्योंकि लॉरा और एने का चेहरा मिलता जुलता था। इसलिए लॉरा को पागल खाने भेज देंगे और एने कैथरिक को मार देंगे और बता देंगे कि लॉरा मर गई है और लॉरा की सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लेंगे। मेरियन लॉरा को यह बताना चाहती थी कि इससे पहले वह बीमार हो जाती है और बता नहीं पाती। फिर सर ग्लाइड और उसका जो दोस्त रहता है काउंट फोस्को लॉरा को बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं और उसे पागलखाने में डाल देते हैं और एने को वहाँ से निकाल कर लाते हैं और मार देते हैं। क्योंकि दोनों का चेहरा मिलता था इसलिए पता नहीं चलता था कि कौन लॉरा है और कौन एने कैथरिक है। एने को मार के दुनिया को ये बता देते हैं कि लॉरा मर गई है और प्रॉपर्टी को सर ग्लाइड अपने नाम कर लेते हैं क्योंकि वो उसके पति थे। जब मेरियन ठीक हो जाती है तो पागल खाने जाती है और किसी तरह लॉरा को वहाँ से निकालती है और लॉरा मेरियन और वॉल्टर जो थे वे लंदन चले जाते हैं और सर ग्लाइड जो थे सारे सबूत को मिटाने के लिए उसे जलाने ले जाते हैं लेकिन इसे जलाने के दौरान खुद भी जलकर मर जाता है। अब मेरियन और वॉल्टर लॉरा की आइडेंटिटी वापस दिलाने की कोशिश करते हैं क्योंकि अब तो वह एने कैथरिक के नाम से जानी जाती है। वह पागलखाने में भी थी, दुनिया को नहीं पता लेकिन सच एक्सचेंज हो चुका था क्योंकि दुनिया के लिए लॉरा मर चुकी थी और उसके पति ग्लाइड ने यह बात फैला दी थी कि उसकी पत्नी लॉरा मर चुकी है। अब वे लोग काउंट फोस्को जो कि सर ग्लाइड के दोस्त हैं उसे पकड़ते हैं कि इसी को सच्चाई पता होगा ताकि लॉरा की आइडेंटिटी सबके सामने आ सके और एक डॉक्यूमेंट में उससे लिखवाते हैं जो जो घटना हुआ था, जो जो उन लोगों ने किया था, सर ग्लाइड और काउंट फोस्को ने जो भी मिलकर किया वो सारी सच्चाई एक डॉक्यूमेंट में लिखवाते हैं और बताते हैं कि लॉरा जिंदा है, उसे हमने ही पागलखाने में डाला था और यही वह लॉरा है और इस तरह लॉरा का आइडेंटिटी उसे मिल जाता है और सारा प्रॉपर्टी लॉरा को मिल जाता है। उसके बाद लॉरा और वॉल्टर शादी कर लेते हैं और नॉवल का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।